गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो चैप्टर हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट का, जो अभी आज हम टॉपिक कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके पास आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। रजिस्टर किस चीज़ के लिए? कि जो आपकी सिक्योरिटीज है वहाँ पे ट्रेड कर सकती है। रजिस्टर करवाने का मतलब आपने अपने आप को वहाँ पे लिस्ट करवाया है, लिस्टिंग करवाई है आपने अपने आप को वहाँ पे। लिस्टिंग के बाद जो आपके शेयर्स हैं तभी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जा सकते हैं, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर बाय और सेल किया जा सकता है। तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज करवाना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, उसका मतलब है कि जो एक्सचेंज है उसने आपको एडमिट किया है, आपको एडमिशन दिया है अपने एक्सचेंज में कि आपकी सिक्योरिटीज जो है वो परचेज और सेल हो सकती है उसके स्टॉक एक्सचेंज में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हर एक कंपनी जो अपने जो इंटेंड कर रही है कि वो अपने शेयर और डिबेंचर्स को ऑफर करना चाहती है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, उसे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए, मतलब उसे अप्लाई करना पड़ेगा लिस्टिंग के लिए। ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कंपनीज के लिए कि उन्हें पब्लिक इशू निकालना पड़ेगा सिक्योरिटीज का। सेबी ने मार्च 2001 में अलाउ किया कंपनीज को कि वो इशू कर सकती है डेब्ट सिक्योरिटीज पब्लिक को बिना अपने आप को इक्विटी के लिए लिस्टिंग करवाए। इस अमेंडमेंट से पहले ये जो फैसिलिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को अवेलेबल थी, लेकिन अब जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज जो थी उसको अलाउ कर दिया गया है। देन सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी जो है वो सेटअप की गई नवंबर 2002 में, वो इसी पर्पस के लिए सेटअप की गई थी कि जो भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाने आती है तो उसकी सारी फॉर्मेलिटीज देखना, क्या नॉर्म्स होंगे, उन सब चीज़ों को फुलफिल करना, उन सब चीज़ों को देखना जो काम था इस सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी का काम था। लेकिन बाद में 2007 में जाके जो ये सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी है उसे ख़त्म कर दिया गया। तो इसका थोड़ा सा जो सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज़ कि जो सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी है वो सेटअप हुई थी नवंबर 2002 में। ये इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो डिफरेंट रीजनल एक्सचेंजेस थे वो इसके रिप्रेजेंटेटिव थे। जो अथॉरिटी थी ये जो CLA, वो करती क्या थी? वो स्टैंडर्ड लिस्टिंग प्रोसेस डिसाइड करती थी ड्यू डिलीजेंस के साथ, जो एक कंपनी लिस्टेड होना चाहती है उसकी सारी फॉर्मेलिटीज चेक करती थी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लिस्टिंग नॉर्म्स को अपडेट करने की, वो भी CLA की थी। CLA अपडेट करता था लिस्ट को, इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स जो भी हो रही हैं उनको देखकर उसके बाद वो डिसाइड करता था किसी को भी एडमिट करना है या नहीं करना है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लिस्टिंग के वो क्या है? एक तो कि जब जो स्टॉक एक्सचेंज है परमिट कर रहा है, एडमिशन दे रहा है किसी कंपनी को अपने स्टॉक एक्सचेंज पर, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, जो वही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिस्टिंग के हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिस्टिंग है पहला कि प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स का एंड इन्वेस्टर का। जो कंपनी लिस्टेड है उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और वो फॉर्मेलिटीज़ इसलिए की जाती हैं ताकि जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा आता है इंश्योर करना कि प्रॉपर सुपरविजन और कंट्रोल हो जो भी डीलिंग्स हो रही हैं सिक्योरिटीज़ में। इंश्योर करना लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज़, रेगुलेट करना डीलिंग्स जो सिक्योरिटीज़ में हो रही है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना सिक्योरिटीज़ के लिए, और कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर फ्यू हैंड्स में ना हो इसको अवॉइड करना। जो सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी है उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज टू एक्सचेंज डिफर करती है। सेबी ने इसके लिए स्टेप्स लिए कि एक सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी को उन्होंने पावर दी कि वो अप्रूवल देगा कि जो लिस्टिंग प्रोसीजर है, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या रहेंगी। ये इस अप्रूवल ने अनेबल किया कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो ज़्यादा जल्दी अर्ली डेट पर जो लिस्ट है सिक्योरिटीज करवा सकते हैं। जो सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी है वो
एक्ट करती थी एज अ चेक, कि ऐसा ना हो कि अचानक से रातों रात एक कंपनी आई और पब्लिक सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन के लिए उसने अपने पब्लिक इशू निकालना शुरू कर दिया। तो जो सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी है, दो प्राइमरी रोल्स थे उसके। पहला, ले डाउन करना स्टैंडर्ड लिस्टिंग प्रोसेस को, कैरी आउट करना ड्यू डिलीजेंस किसी भी कंपनी के बारे में जो लिस्टेड होना चाहती है। जो सीएलए है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपडेट करना लिस्टिंग नॉर्म्स को, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स को देखते हुए। जो सेबी है उसने सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी रेगुलेशन 2003 में वो लेके आई इस चीज के लिए, और बाद में सीएलए जो था उसे खत्म कर दिया गया। सेबी ने उसे खत्म किया नोटिफिकेशन इशू करके उस रिगार्ड में ऑन 2 जनवरी 2007। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स या नॉर्म्स क्या हैं फॉर क्वालिफाइंग फॉर लिस्टिंग। मतलब कि अगर एक कंपनी को लिस्ट होना है, अपने आप को लिस्ट करवाना है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उसे क्या क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रिक्वायरमेंट्स है, प्रोविजंस है, उसे फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला आता है लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है उसने लिस्टिंग ऑफ कंपनीज को कंपल्सरी कर दिया है। जो बाय लॉज एंड रेगुलेशन है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 के, और जो गाइडलाइंस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज रूल्स ने इशू किए हैं टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग जो एक कंपनी है उसे अगर अपने शेयर्स लिस्ट करवाने हैं किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उसे जो रूल्स फॉलो करने होंगे वो क्या, कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए जो रिस्ट्रिक्ट करता है फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जो कंपनी है उसने ऑफर करना है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए एटलीस्ट 25% अपना इशोर्ड कैपिटल। तीसरा, जो मिनिमम इशूड कैपिटल होगा कंपनी का वो एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीज होना चाहिए। अगर आप बीएससी पर कर रहे हैं और एनएससी पर कर रहे हैं, और 5 करोड़ रुपीज होना चाहिए अदर एक्सचेंजेस के लिए। कोई प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं है। देन आता है लिस्टिंग नॉर्म्स क्या है क्वालिफाई करने के लिए लिस्टिंग के लिए। पहला है मिनिमम इशूड कैपिटल और मिनिमम पब्लिक ऑफर। जो मिनिमम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल होनी चाहिए कंपनी की वो 10 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए अगर आप आईपीओ निकाल रहे हैं, और 3 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए अगर आप एफपीओ निकाल रहे हैं। जो मिनिमम साइज होना चाहिए वो 10 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए। जो मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए कंपनी का वो 25 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपको मेंटेन करके रखनी है। देन लिस्टिंग ऑन मोर देन वन एक्सचेंज एंड ऑन रीजनल एक्सचेंज। हर एक कंपनी जो अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस पर, तो उसे सबसे पहले कंपलसरी है लिस्ट करवाना अपने आप को रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पर। देन कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू ऑफ कैपिटल। जो लिस्टिंग है ओल्ड कंपनीज की वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन न्यू कंपनीज को लिस्टिंग के लिए तभी कंसीडर किया जाएगा अगर जो भी नॉर्म्स और सीलिंग है रिगार्डिंग कितना एक्सपेंडिचर वो पब्लिक इशू पे कर सकते हैं वो फॉलो करेंगे। तो देन अंडरटेकिंग रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम प्रमोटर्स कोटा। जो ऑडिटर्स हैं या जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी का, वो अप्लाई जो अप्लाई कर रहा है लिस्टिंग के लिए उसे सर्टिफाई करना होगा कि जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर स्टैम्प लगाई जाएगी, उनके ऊपर 3 ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी कि आप ट्रांसफ़र उसे नहीं कर सकते हो, हाइपोथिकेशन शेयर्स की नहीं कर सकता है प्रमोटर कोटा से। देन आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस मस्ट है लिस्टिंग के लिए। जो न्यू कंपनीज हैं उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज से रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर वो अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे। देन कंपलसरी प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी के उसमें कुछ कंपलसरी प्रोविजंस होने चाहिए अगर वो अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे। और वो कंपलसरी प्रोविजन क्या है कि जो कंपनी है वो एक कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र यूज़ करेगी। जो फुली पेड अप शेयर्स हैं वो फ्री होंगे किसी भी तरीके के लियन से। जो ऑप्शन या राइट टू कॉल ऑफ शेयर्स जो है वो आपने नहीं देना है, वो नहीं दिया जाएगा किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट जब कंपनी से उसके लिए सेंक्शन ना दे अपनी जर्नल मीटिंग में। जो भी अमाउंट पेड अप इन एडवांस है कॉल की या किसी शेयर के ऊपर कोई इंटरेस्ट देना है तो देना है, बट
वो इंटाइटल नहीं है होल्डर, शेल नॉट इंटाइटल दी होल्डर, उससे जो होल्डर है वो इंटाइटल नहीं हो जाता शेयर का, जो होल्डर है पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी आगे फर्दर डिविडेंड आप डिक्लेयर करोगे, और दैट की कोई भी फॉरफीचर जो है अनक्लेम डिविडेंड का बिफोर द क्लेम बिकम्स बार्ड बाय लॉ नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर अदर कंडीशंस इन एडिशन टू अबव, एक जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसे फॉलोइंग जो कंडीशन है सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी लिस्ट करवाने से पहले, वो क्या कि जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ रिग्रेट है जब आप इशू निकाल रहे हो वो साइमल्टेनियसली इशू किया जाएगा, जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है एक्सेप्टेंस है राइट्स का है उसे सीरियली नंबर किया जाएगा, प्रिंट गुड क्वालिटी पेपर पे होगा, साइंड उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर करेगा कंपनी का, जो लेटर्स ऑफ राइट्स हैं वो भी साइमल्टेनियसली इशू किए जाएंगे, जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है या रिनाउंसेबल लेटर्स हैं राइट्स के उनमें प्रोविजन होगा स्प्लिटिंग का या फॉर्म ऑफ रिनाउंसिएशन जो होगा वो प्रिंट होगा उस लेटर के बैक में। नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज इशू सर्टिफिकेट्स करने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स जो लॉ आपके पास आए हैं जिनकी एप्लीकेशन ट्रांसफर के लिए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month जिस डेट को ट्रांसफर के लिए उन्होंने आपके पास रजिस्टर करवाया है। एडवाइस करेगा स्टॉक एक्सचेंज को टू एडवाइस द स्टॉक एक्सचेंज को एडवाइस करेगा कि उस डेट के लिए जहाँ पे जब आपकी बोर्ड मीटिंग होगी जिस डेट पे आप डिक्लेयर करोगे या रिकमेंड करोगे डिविडेंड या इशू राइट या बोनस शेयर्स का उसे कंसीडर किया जाएगा। देन नोटिफाई करना है स्टॉक एक्सचेंज को कोई भी मटेरियल चेंज अगर जर्नल करेक्टर या नेचर जो है कंपनी के बिजनेस का उसमें होता है। फॉरवर्ड करना है आपने स्टॉक एक्सचेंज को कॉपी स्टेचुटरी और एनुअल रिपोर्ट्स की एडिटेड अकाउंट्स की एज सून एज जब वो आपके पास आ जाती है जब और जब आपने डायरेक्टर रिपोर्ट को इशू कर दिया है। फॉरवर्ड करना है स्टॉक एक्सचेंज कॉपी सभी नोटिसेस की सर्कुलर्स की जो आपने शेयर होल्डर्स को भेजी है। नोटिफाई करना है स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करने से पहले शेयर होल्डर्स को कोई भी जो नया इशू सिक्योरिटीज का आप निकाल रहे हो उसके बारे में, चाहे राइट इशू है चाहे प्रिविलेज है चाहे बोनस है चाहे अदरवाइज है। नोटिफाई करना है स्टॉक एक्सचेंज को अगर री इशू आप कर रहे हो फॉरफिटेड सिक्योरिटीज को या इशू ऑफ सिक्योरिटीज जो आपने रिजर्व में रखी हुई थी फ्यूचर इशू के लिए। नेक्स्ट नोटिफाई करना है स्टॉक एक्सचेंज को कोई भी अदर ऑल्ट्रेशन अगर आपके कैपिटल में होती है इंक्लूडिंग कॉल्स। क्लोज करनी है ट्रांसफर बुक्स सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के पर्पस के लिए या इशू ऑफ राइट और बोनस शेयर्स के लिए या उस पर्पस के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज एग्री करता है, और आफ्टर ड्यू नोटिस एंड सेक्शन। फॉरवर्ड करना है स्टॉक एक्सचेंज को एक एनुअल रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर एनुअल जर्नल मीटिंग जिसमें 10 प्रिंसिपल होल्डर्स हर एक क्लास ऑफ सिक्योरिटीज की कंपनी के होने चाहिए। ग्रांट करना है शेयर होल्डर्स को राइट ऑफ रेनाउंसिएशन सभी केसेस में जो भी इशू ऑफ राइट्स के हैं, प्रिविलेजेस बेनिफिट्स उनको देने हैं, अलाउ करना है उन्हें एक रीजनेबल टाइम की वो अपना वो एक्सरसाइज राइट कर सके। इंटीमेट करना है आपने स्टॉक एक्सचेंज को कोई भी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी है और जो आपने अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी की पोजीशन के बारे में बतानी है। देन अगर जो एप्लीकेशन है लिस्टिंग के लिए वो ग्रांट आपको कर दी जाती है तो वो लिस्टिंग जो है वो सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट मतलब वो किससे गवर्न होगी, जो भी रूल्स बायलॉज एक्सचेंज टाइम टू टाइम फोर्स में ला रहा है। तो ये था लिस्टिंग के लिए जो आपकी कंडीशंस थी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।